अभी जो चल रहा है कि फटी हुई जीन्स और इस तरीके के जो पहरावे हैं जो लोगों की मानसिकता को जल्दी देख लेते हैं, उन लोगों को नहीं देखा जाता है, क्या कहना चाहिए? साहब हमारे यहाँ महाभारत किस लिए हो गई? सिर्फ चीर हरण पे। महाभारत सिर्फ द्रौपदी के वस्त्र हरण, चीर हरण, अंग दिखने की वजह से हो गई, और आज महाभारत अंग दिखने की बात कहने की वजह से हो रही है। क्या अंग दिखाने हैं हमें, इसलिए हमें महाभारत करनी है? गलत है रावत, मुख्यमंत्री गलत कह रहे हैं। जींस के फटी हुई नहीं, वो गलत कह रहे हैं, उनकी सोच गलत है, उनका दिमाग गलत है। वो बापी नहीं है, वो मुख्यमंत्री ही नहीं, वो योगी नहीं, वो तो कोई पागल है क्या? अरे माननीय मुख्यमंत्री हैं, सम्माननीय हैं, विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उत्तरांचल देवभूमि के मुख्यमंत्री हैं, पूजना चाहिए उन्हें लोगों को। लेकिन क्या कहा जा रहा है? फटी जींस की बात कैसे कह दी? सोच बदलो। जया बच्चन जी कहती है सोच बदलें, और जया बच्चन जी अपने पति अमिताभ बच्चन ने जब वो फिल्म बनाई थी चीनी कम, और अपने पोते की उम्र की, पोती की सहेली के साथ अफेयर दिखाया गया अमिताभ बच्चन का, एक दादा का एक पोती की उम्र, पोती की सहेली की उम्र की बच्ची के साथ, तो जया बच्चन कोई सोच नहीं बदली, शर्म नहीं आई, चुल्लू भर पानी नहीं मिला उनको? क्या ऐसी फिल्म दिखा के लोगों में क्या संस्कार पैदा करने चाहते हैं, क्या सभ्यता दिखानी चाहती हैं? फटी जींस पहनाओ, फैशन लाओ, वेस्टर्न कल्चर। हुई थी महाभारत की नहीं हुई थी? महाभारत इसीलिए हुई थी ना चीरहरण की वजह से। और आज क्या ये वाद विवाद महाभारत चल रही है कि उन्होंने क्यों कह दिया फटी जींस के बारे में? आप अंग दिखाना है तो जींस हटा ही दो ना, बिल्कुल तो ठीक रहेगा, तो तसल्ली रहेगी, कम से कम पूरा पूरा अंग प्रदर्शन करो, नग्नता दिखानी है तो लोग नहीं देखेंगे आपको, सोचेंगे पागल है कोई, पागल को ऐसे नजरअंदाज कर दो, इसे जरूरत है, मानसिक स्थिति विक्षिप्त है इसकी। आप मानसिक स्थिति विक्षिप्त वाले हैं लेकिन दिखना नहीं चाहते, दिखते अपनी सभ्यता का चोला पहने, जींस फाड़ी जाती है इतने इतने पास से बुरी तरह से। अब पब्लिक प्लेस पे आप चल रही हैं, मेट्रो में चल रही हैं, बस पे चल रही हैं, सब लेकर जा रही हैं, आप नहीं सोच बदलेंगी? पुरुष की सोच बदलना है, आप अपनी सोच की खुली छूट है, इसीलिए क्योंकि पुरुष आयोग नहीं, अगर पुरुष आयोग हो तो छूट पूरी हो जाएगी। कोई पुरुष ऐसे जाए उसके लिए धारा है, मुकदमा, आप जाके देख लीजिए हाफ पैंट पहन के जाके, पुलिस वाले दो डंडे मारने लगेगा पहले, और लड़की के लिए नहीं, महिला के लिए नहीं। ये विभेदकारी नीति है, इससे समाज में बहुत असमानता के साथ साथ बुराइयां फैल रही हैं, और पाश्चात्य सभ्यता को, वेस्टर्न कल्चर को जो फिल्म इंडस्ट्री लाने के लिए बहुत उतावली है, बहुत तेज है फिल्म इंडस्ट्री। आप एक दशक की फिल्मों में देखिए, भक्तिपूर्ण फिल्में, जब फिल्मों का भारत में निर्माण हुआ था तो आप निकालिएगा 90% फिल्में भक्तिपूर्ण थी, मंदिरों पर आधारित थी, भक्ति पर आधारित थी, भक्तिपूर्ण के गीत थे, धार्मिक रूप से थी। धीरे धीरे बदलता समय चला गया, उन्हीं फिल्मों में भक्ति की, मंदिर की, राम की, सीता की मजाक बनाई जाने लगी, तांडव क्या थी, मजाक बनने लगी। कहां इसी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री की जब शुरुआत हुई, राजा हरिश्चंद्र फिल्म, संतोषी मां, इस तरह की फिल्में बनी, बहुत धार्मिकता को लेके बनी, धर्म को मुख्य माना गया कि हम अच्छी चीजें देंगे, लेकिन धीरे धीरे धर्म को धंधे में बदल दिया गया, और धंधा भी पाश्चात्य सभ्यता से चलने लगा, पश्चिमी विचारों से चलने लगा। इसीलिए इस देश में अब इस तरह के बलात्कार हिंदुस्तान में कभी नहीं होते थे, बलात्कार की हिंदुस्तान में नहीं जगह थी, बलात्कार की इंडिया में जगह आई, क्योंकि आप इंडिया की, इंडिया इंग्लिश कल्चर से चलने लगे, इसलिए इंडिया में बलात्कार होते, हिंदुस्तान में और भारत में बलात्कार की कोई जगह नहीं। महिला का सम्मान सबसे अधिक रहा है, गौरवमय जीवन रहा है, ये सत्य है।